केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसका ऐलान किया। उधर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद वेस्ट यूपी में चारों ओर खुशी का माहौल है। समर्थक मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज जो भारत के किसानों के मसीहा को भारत रत्न से नवाजा गया है, हम मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत सराहना करेंगे और ये किसानों के और गरीबों के मसीहा नेता की जो इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम आम जनता इससे बहुत खुश है। सचिन सिरोही मेरठ से। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे आज इन किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के लिए? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया है, कितना बड़ा दिन मानते हैं आप? देखिए, ये इतिहास रचा गया है और मैं इसमें धन्यवाद सबकी तरफ से, पूरे भारत में जितने भी भारतवासी हैं सबकी तरफ से धन्यवाद अदा करूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, जो गरीबों के, किसानों के, हर वर्ग के जो है लड़ाइयाँ लड़ी, इतना संघर्ष करा उन्होंने, और आप देखिए कि आज उनको, आज भी इतने साल मतलब उनको जो है पृथ्वी से जो है जाए हुए हो गए और आज भी उन्हें याद किया जाता है, तो उनकी अच्छाइयाँ थी जिन्हें याद किया जा रहा है और ये सम्मान के लायक थे। इतने वर्षों से जो है कितनी सरकारें आई, उन्होंने ये भारत रत्न का जो सम्मान था नहीं दिया, लेकिन फिलहाल मोदी जी की इतनी बड़ी पहल जो सबको, मैं कह रहा हूँ सबको जो है ये सम्मान मिला है, किसानों को भी मिला है, गरीबों को भी मिला, हर वर्ग को सम्मान मिला है, उन्हें तो मिला ही मिला है, उनके साथ साथ जिन लोगों के वो दिल में बसते हैं उन सबका सम्मान है और बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का जो इन्होंने इस तरीके का जो है, ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत मांग हो रही थी इसमें क्योंकि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, बहुत वर्षों से मांग हो रही थी, आज वो सफल दिन आया और इस दिन को बड़ा ही हर्ष के साथ हम धन्यवाद अदा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज का एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि चौधरी साहब जो चौधरी चरण सिंह थे वो किसानों के, कमेरे वर्ग के, मजदूरों के, सभी के मसीहा थे। एक तरह से उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया है, एक अपनी ईमानदार छवि के साथ साथ एक कर्मठ छवि उनकी रही है और इस विषय में काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था, काफ़ी सालों से, जो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सफल हुआ, उनके द्वारा आज घोषणा की गई और घोषणा होती तमाम वर्गीय मजदूर किसान वर्ग एकदम से बड़ी खुशी की लहर से गूंज उठी है उनके दिमाग में और उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भी यहाँ अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस सब के साथ साथ यह अब दोबारा से हम एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और चौधरी चरण सिंह तो सदा अमर रहेंगे, वो सभी के दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे और ये ऐतिहासिक दिन है, इस दिन को हम कभी भूल नहीं पाएंगे।